स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक आंसर के ऊपर। दोस्तों दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा के बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों आज हम इसके बारे में पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे तथा किस तरीके से ये बिल्डिंग तैयार हुई इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों बुर्ज खलीफा में एक व्यक्ति के टूर करने की फीस 40 यूरो है, जो कि इंडियन रुपीज़ के अंदर 7000 रुपये हैं। दोस्तों इसके अलावा इसमें 3000 होम से 9 होटल हैं। इसके अलावा दोस्तों बुर्ज खलीफा में 163 से भी ज़्यादा फ्लोर हैं, जिसमें 153 ही यूजेबल है। इसके अलावा 2 ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे पार्किंग स्लॉट बनाए गए हैं। इसमें 2000 से भी ज़्यादा रूम है। तो दोस्तों ये थे बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों अब बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को फर्स्ट नींव को कैसे रखा गया और इसे कैसे तैयार किया गया। दोस्तों इस इमारत पर 12000 वर्कर एक साथ काम करते थे। इसमें 24000 ग्लास पैनल लगे हैं जो कि यूवी रेस को रिफ्लेक्टेड कर देते हैं। दोस्तों इन 24000 ग्लास पैनल का वजन 35 A380 प्लेन के बराबर होते हैं। दोस्तों 100 किलोमीटर की दूरी से नज़र आने वाली इस बिल्डिंग पर 3 मिनट का हेड लगाने के लिए 50,00,000 रुपए लगते हैं। दोस्तों 2726 फीट ऊंची इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन का खर्च आया था इसको बनाने में। इसे बनाने के लिए दोस्तों सिर्फ 6 साल का समय दिया गया था, इसलिए इसे बिना डिज़ाइन के ही इसका काम शुरू कर दिया और जैसे जैसे बिल्डिंग बनी इसका डिज़ाइन भी तैयार होता गया। दोस्तों रेत में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए सबसे पहले रेत में 192 मोटे स्टील के पाइप को धसाया गया और फिर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ। दोस्तों पूरी बुर्ज खलीफा का वजन इन्हीं पाइप पर टिका हुआ है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इतना ऊपर तक सीमेंट को पहुंचाते थे तो वह ऊपर तक जाते जाते सूख जाती थी या फिर पाइप के अंदर जम जाती थी, इसलिए सीमेंट को पहुंचाने के लिए भारी मशीन तथा स्पेशल पाइप का यूज़ किया गया था। क्योंकि इस बिल्डिंग में 1000 हाथियों के वजन से भी ज़्यादा सीमेंट का यूज़ हुआ था। दोस्तों बिल्डिंग के बनने के बाद अब बारी थी ग्लास पैनल लगाने की, जो कि दोस्तों 24000 लगने वाले थे, किंतु इतना यह काम यह आसान नहीं था क्योंकि दोस्तों सबसे ऊपर की इमारत का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जहाँ कोई भी इंसान नहीं पहुँच सकता था। और अगर ग्लास लग भी जाते तो बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए काफ़ी ऊर्जा यूज होती थी तथा हमेशा ऊर्जा का खर्च होता रहता था। तो दोस्तों इस मुसीबत को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक जॉन जोसेफ पर जिन्होंने एक ऐसा ग्लास की तैयार किया जो कि सूरज से आने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था। फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया और सिर्फ इन्हीं ग्लास पैनल को बनाने के लिए एक फैक्ट्री को तैयार किया गया और सिर्फ 4 महीनों के अंदर सभी ग्लास पैनल को तैयार कर दिया गया। और दोस्तों इस तरह पूरी बिल्डिंग को तैयार किया गया, किंतु क्या आप जानते हैं इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर जो स्टील का पाइप लगा है वो उस पाइप को ऊपर कैसे ले जाया गया, जो कि दोस्तों 136 मीटर लंबा और 350 टन का था। तो दोस्तों इस पाइप को एक साथ ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसे टुकड़ों में ले जाया गया। इस तरह पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो हो गया था, किंतु सालों की कंस्ट्रक्शन के कारण उस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी धूल मिट्टी भरी पड़ी थी और बाहर के ग्लास को पॉलिश करना अभी बाकी था। और सबसे बड़ा काम इन कांच को पॉलिश करना था। इनको इसका सॉल्यूशन किसी भी मशीन के पास भी नहीं था। तो दोस्तों इस चीज़ को सुलझाने के लिए फिर वर्कर का सहारा लेना पड़ा। वर्कर को रस्सियों से बांधकर 24000 कांच की पॉलिश कराई गई और अभी भी दोस्तों यह काम वर्कर से ही कराया जाता है। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।